इस मुहावरे को मैं आज इस्तेमाल सही अर्थों में कर रहा हूँ कि हमारे घर बैठे गंगा आई। पंजाब के इतने इतने बड़े विद्वान जो हैं वो हमारे घर पर आए और उन्होंने हमें अनुग्रहित किया। भाई सिरसा जी ने और बाकी विद्वानों ने राजस्थानी भाषा की जो प्रशंसा की, सहायता का वचन दिया, मुझे इतनी प्रसन्नता हुई। इतनी प्रसन्नता तो मुझे साहित्य अकादमी का पुरस्कार करते हुए भी नहीं हुई थी। सुरजीत पात्र मेरे मित्र रहे हैं, उनको एक मीटिंग में हमारा मिलना हुआ तो कहने लगे, मैं पात्र साहब अब ये सेंसलेस जो छंद है इसका प्रयोग राजस्थानी में करूँगा। वो कहने लगे, आपकी तो माँ बोली राजस्थानी है तो पंजाबी में कैसे करेंगे। मैं वो हमारे पड़ोस में करम सिंह जी कुलचानिया का मकान था, मेरी माँ और करम सिंह जी की वाइफ जो थी वो धर्म बहने बनी हुई थी, उनकी भाषा पंजाबी थी, हमारी बिल्कुल राजस्थानी, ठेठ राजस्थानी। मैंने पात्र साहब को कहा कि मेरी भाषा तो माँ बोली जो है वो राजस्थानी है, लेकिन मेरी पंजाबी जो है वो मेरी मासी की लगती है, क्योंकि उनके घरवाली को मैं मासी कहता था, पंजाबी मेरी मासी लगती है। तो आज बड़ी प्रसन्नता हुई, बड़ा सम्मान मिला मुझे। तो अब टाइम तो ज़्यादा हो गया, लेकिन वो नमूना आपको मैं एक बताता हूँ जो मैंने पंजाबी में पंगा लिया। हालांकि मेरे को गुरमुखी नहीं आती थी, मेरे एक मित्र थे हरवंश सिंह अक्स, उन्होंने लिखा। वो क्या था कि अर्थ की बात सब करते हैं, निरर्थ बात अगर हो तो वो डक्का डंठल। आजकल क्रिकेट का ज़माना चल रहा है, जैसे देखिए आप थोड़ा सा कि क्रिकेट अंपायर सीखे सर जॉन स्टिकर एम्पायर थे। क्रिकेट अंपायर श्री सर जॉन स्टिकर ने सिक्का उछाला एक लेके थोड़ी लीकर। क्रिकेट अंपायर सर जॉन स्टिकर ने सिक्का उछाला एक लेके थोड़ी लीकर, खड़ा हो गया टोस, बोले करके अफसोस हूँ तुसी उडीको इनू धरती हिलन तिकर। अब टॉस खड़ा हो गया तो कोई नियम नहीं है ऐसा कि उसको दोबारा करो या क्या करो। इंडियन क्लासिक शिक्षण एक लेडी फ्रॉम फ्रांस, लुधियाना से भी सज्जन हैं आज, इंडियन क्लासिक डांस शिक्षण लई लेडी फ्रॉम फ्रांस आई आके ओने सी लुधियाने लेती सांस। नी मच्छरा ने छड़ी खूब प्यार नाल वड्डी, एक रात से सीख गई वो कथकली डांस। अब ये थोड़ा मैंने आपको नमूना बताया। अब उर्दू के शायर कहते हैं कि वो उनकी कमर के बारे में कि कमर उनके है ही नहीं, इजार बंद पता नहीं कहाँ बांधते हैं, ऐसा कुछ। एक तनवांगी हीरोइन जो है उसका मैं आपको एक डक्का सुनाता हूँ। रब ने बनाई सी जे में खूब काली विच, जल्दबाजी में रब ने बनाई सी जे में खूब काली बीच। कितनी तनवांगी है ये देखो आप थोड़ा। रब ने बनाई सी जिमें खूब काली बीच, उड़ जूगी कराले रख दे सी जाली बीच। कुड़ी की कमाल सी पतली जिमें वाल सी, नौंदी सी ता कई बार आ जांदी सी नाली बीच। तो ये निरर्थक अभिव्यक्ति का छंद विद्यासागर जी का। अब राजस्थानी में ऐसी संसलस